ट एनी अपॉर्चुनिटी दैट दे शुड गो फॉर सी ए और सी एस और ग्रेजुएशन के बाद ही इसे कर सकते हैं सी ए इज अ फाइनेंशियल आर्किटेक्चर सी ए इज अ फाइनेंशियल इंजीनियर सी एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर सी ए इज अंप्लीटनेस सोल्यूशन

एंड देन आई सेलेक्टेड कॉमर्स एंड आई लास्ट के यार कॉमर्स में आगे करना क्या सो एवरी वन वॉज हैविंग वन स्टीरियो टाइप चॉइस कि बी कॉम करेंगे एम बी ए करेंगे एंड दैट सॉल्व मैंने कहा नहीं यार कुछ अलग करना है सो आई चूजन टू बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट मैन ए स्टार्टेड डूइंग सी ए आई गॉट टू नो समथिंग अबाउट सी एस कंपनी सेक्रेटरीशिप और वहाँ मेरा इंटरेस्ट आया कि यार मुझे ये भी करना चाहिए बिकॉज आई वॉज स्टडिंग कंपनी लॉ और वो बहुत फैसिनेटिंग था सो आई एस चूजन टू डू सी एस ऑल्सो सो आई डिट सी आई डिट सी एस And uh, I don't know I should say this in the podcast or not, that I have one done B.Com. I have oh, dropped my nice. graduation. So, I'm a C.A., C.S., Anshul Sir, so this is so nice to hear from you. Because this is something like, as you said, uh, whether I should say it or not, that I B.Com or not. But let me clear it to my student that, वट्सो एवर वी आर डूइंग राइट हमारी लाइफ इतनी बड़ी है और एडुकेशन इज लिमिटलेस सो हमें जितना ज़्यादा अपने सी uh, वी में एड ऑन करना है वो हम कर सकते हैं इट्स आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर अस एंड इट्स अ काइंड ऑफ एड ऑन फॉर अस ऑल्सो जब हमारा सी वी कोई देखता है तो इट लाइक इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड इट्स वेरी सूटेबल जिसको भी हम दिखाएंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई वो न आस्क यू कि हम यहाँ पर आए हैं और ऑब्वियसली ट्वेल्थ के बाद स्टूडेंट को एक प्रॉपर डिरेक्शन uh, दिखाने के लिए आए सो स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और यही वजह है बिकॉज दे हैव ऑप्शन तो दे गेट ऑलवेज कन्फ्यूज राइट सो कन्फ्यूजन इज वन पार्ट और जब हम छोटे होते हैं वी हैव अ लोड ऑफ पियोर प्रेशर पेरेंट्स प्रेशर एंड अपना खुद का सेल्फ प्रेशर तो होता ही होता है कि पता नहीं हम किसी चीज़ में अच्छा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और जैसे मैंने आपसे सुना कि वट यू डिड इन योर पास्ट दैट वॉज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट दैट सो नाइस ऑफ यू तो मैं ये जानना चाहती हूँ इफ अ पर्सन इज जस्ट अपियरिंग इन सी यू इट एग्जामिनेशन सो वेन ही पास्ड और शी पास जैस क्लास ट्वेल्थ और हर क्लास ट्वेल्थ तो उसके बाद फिर उसके पास ऑप्शन बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं राइट एंड तो मुझे ये जानना है कि क्या अगर आप स्टूडेंट्स को हमारे सजेस्ट कर सकते हैं कि ट्वेल्थ के बाद इस दिन एनी अपॉर्चुनिटी दैट दे शुड गो फॉर सी ए और सी एस और ग्रेजुएशन के बाद ही इसे कर सकते हैं सर तो इसकी शुरुआत में ना सबसे पहले ये करना चाहता हूँ इस चीज़ से करना चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली नो के सी होता क्या है तो मैं थोड़ा रिस्क लेता हूँ और इस सेशन में आप ही के टीचर से पूछता हूँ कि मैम सी ये करता क्या है व्हाट डू यू थिंक मतलब यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या बताना है दैट सो नाइस टू हियर अगेन सर क्वेश्चन बट सम इट हैपंस लाइक दिस ना कि आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश एंड इफ यू आस्क मी समथिंग डिफरेंट सो माइट बी इट इज नॉट ऑफ माय रेंज बट आई कैन ट्राई फॉर दिस मतलब एज अ प्रोफेशन जैसे आपको पता है डॉक्टर <laughs> क्या करता है ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन है मेरा आप जब सुनते हैं सीए तो सीए क्या करता होगा आपको क्या लगता है हाँ मतलब जो फर्स्ट थाट मेरे दिमाग में आता है एज अ स्टूडेंट मैं ये सोचती हूँ कि आई थिंक सीए एक ऐसा पर्सनैलिटी होता है जो कि आपके काफ़ी uh, सारे फिनेंशियल एस्पेक्ट संभाल सकता है या फिर वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है इफ़ आई टेल अबाउट मी कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कंपनीज में जब हम जॉब कर रहे होते हैं सो वी हैव पी और टी डी एस एंड ऑल सिस्टम्स तो फिर ये होता है कि अभी वो टी में हमें बहुत सारी सेविंग्स uh, करनी है और वो सेविंग मिल पाएगी या नहीं hmm. मिल पाएगी so, मिल पाएगी दैट इज अ पार्ट ऑफ सेविंग सो वो हमें मिल कि नहीं मिल पाएगी तो अब जब भी, भी बात आती है फिनेंस की सो इट्स लाइक ना मतलब ये बहुत बड़ी चीज है बिकॉज कोई भी इंसान अपना हाथ से पैसा जाने, जाने नहीं देना चाहता दैट इज तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारी बहुत सारी हेल्प कर सकता है और फिर जब ये बड़े बड़े स्टार्स करवाते हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियंस करवाते हैं क्योंकि हर किसी का कहीं ना कहीं एक पार्ट पे सेविंग चल रहा होता है फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट तो उसे जरूरत पड़ती है सीए की और आई थिंक वही रोल शायद प्ले करता है ओके okay, चलिए बहुत अच्छा मतलब फॉर यू मैम थैंक अमेजिंग बट मैं आपको बताता हूँ सीए एग्जैक्टली करता क्या सीए इज़ अ फाइनेंशियल आर्किटेक्ट सीए इज़ अ फाइनेंशियल इंजीनियर सीए इज़ अ फाइनेंशियल डॉक्टर एंड सीए इज कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइडर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया इफ यू वॉच शार्क टैंक नाउ व एर ऑफ स्टार्टअप आपको अगर बिजनेस करना है yeah, <laughs> तो बिजनेस को शुरू करना होता है राइट फ्रॉम प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू नीड टू प्लान योर बिजनेस तो आपके पास एक आइडिया है अब आइडिया से तो बिजनेस नहीं होगा आपको उसके लिए चाहिए फंडिंग पैसा हुँ. पैसे के लिए आप जाओगे इन्वेस्टर्स के पास इन्वेस्टर्स आपका ड्यू डिलीजेंस करेंगे ड्यू डिलीजेंस के लिए वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि भैया धंधा किस चीज का करना है चो. और वो जो धंधा करोगे उससे कैश फ्लो कितना होगा पैसा कितना आएगा पैसा कितना जाएगा प्रॉफिट लॉस सेल्स टर्नओवर ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ढांचा so architect. Architect. Architect, तैयार करता है ढांचा wow. तैयार हो गया तो वी अरेज फंड मतलब हम बैंक में जाते हैं आपके लिए पैसा रेस करते हैं इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं पिचिंग करते हैं क्या हमारा क्लाइंट है इसके लिए हमें पैसा चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट इज अंशियल डॉक्टर लाइक वी ह्यूमन बींग

मतलब जहाँ एक इंसान सौ रुपया कमाता था वो नाइनटी सेवन रुपीज सरकार को पे करता था और सिर्फ तीन रुपया उसके जेब में बचता था आज आपको पता है इंडिया में हाईएस्ट टैक्सेशन रेट है अगर oh. कोई इंसान सौ रुपया कमाता है hmm. तो वो थर्टी नाइन रुपीज सिर्फ इनकम टैक्स भरता है सरकार को हाउ इट फील्स सो नाइस मैं एक टीचर हूँ मैं मेहनत करता हूँ मैं चिल्लाता हूँ मेरा गला खराब होता है मैं बीमार पड़ता हूँ और मैं अपनी इनकम का थर्टी नाइन परसेंट मतलब चालीस परसेंट सरकार को दे रहा हूँ सर बट वट आई फील हियर लाइक इट्स अ क्वाइट फैसिनेटिंग थिंग पहले तो जो आपने बताया लाइक like, मैं तो सोच भी नहीं सकती <laughs> थी कि सी की इतनी सारी डेफिनेशन हो सकती हैं बट इट वॉज सो नाइस बट जहाँ पे हम नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन परसेंट दे रहे थे और अभी हमें उसका हाफ uh, का भी हाफ देना पड़ रहा है तो आई थिंक इट्स इट्स बेटर फॉर लेट मी शेयर अनदर डेटा विद यू देर आर कंट्रीज ऑन दिस प्लान जहां पे टैक्सेशन का रेट इज एज लो एज फोर परसेंट फाइव परसेंट एंड इफ यू आस्क मी दैक्सेशन रेट इट गोज अराउंड ट्वेल्व टू फिफ्टीन परसेंट मतलब मैं ऑनेस्टली यहाँ पर ये यह बताने आया हूँ सी ए क्या है हम लोग अलग कॉन्वर्जेशन में एंटर कर जाएंगे अगर हम टैक्सेशन पे बात करेंगे ट्रस्ट ah. मी हमारे देश में टैक्सेशन बहुत हाई है okay. मतलब मैं ये एक पॉइंट यहाँ पे रेस करना चाहता हूँ कि एजुकेशन पे हमारे देश में अठारह परसेंट जीएसटी है आपको पता है मतलब हर एक बच्चा जो अड्डा का सब्सक्रिप्शन लेता है वो अठारह परसेंट जीएसटी पे करता है 2004 में इंडिया में सर्विस टैक्स एक्ट आया था जब ये जीएसटी का रेट था मात्र चार परसेंट सो हम चार परसेंट से अठारह परसेंट तक पहुंच गए हैरानी की बात है कि हाथों पे लगाने वाली मेहंदी का कोन जो है ना उस पर इंडिया में जीएसटी लगता है पांच से नौ लेकिन शिक्षा पे जीएसटी लगता है अठारह तो इंडिया इज वन ऑफ द हाइएस्ट टैक्स कंट्री कीपिंग अ पार्ट ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है सी ए का इफ यू वॉन्ट टू गो टू अ डेवलप नेशन लाइक न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और आपको उसका वीजा चाहिए तो उसकी वीजा की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है hmm. ये नेटवर्थ सर्टिफिकेट बनाता है एक चार्ट अकाउंटेंट आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है चार्ट अकाउंटेंट बिकॉज एज अ बिजनेस मैन आप जानना चाहते हैं कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है लॉस कर रहा है आप अगर कोई बिजनेस मैन नहीं है सैलरीड एम्प्लॉई है नए नए जॉब पे लगे दो तीन साल बाद शादी करेंगे खुद का घर लेंगे बैंक में जाएंगे लोन मांगने के लिए बैंक वाले आपसे तीन साल का इनकम टैक्स का रिटर्न मांगेंगे वो रिटर्न भरता है चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं तो टीचिंग में हूँ सो मुझे लगता है सर अब्दुल कलाम आजाद ने कहा आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली वे यू आर कि द द इफ बेस्ट ब्रेन इन द कंट्री बिकम्स टीचर दैट विल बी रियली शेपिंग अव कंट्री अव फ्यूचर सो चार्ट अकाउंटेंट कैन ऑल्सो बी टीचर मतलब सी एज अट मी शेयर एन इम्पोर्टेंस विद यू इन इंडिया देर आर ओनली फोर चार्टेन थाउजेंड पीपल दैट मीन्स अगर दस हजार लोग एक लाइन में खड़े होंगे ना तो उसमें से सिर्फ चार लोग चार्ट अकाउंटेंट्स है मैं ये मानता हूँ सात हजार लोग ऐसे हैं जिन्हें सीए की जरूरत है हाँ। लेकिन and, चार सीए एंड एज आई फील आई वी आर मूविंग टूवर्ड्स डेवलप्ड इंडिया सो आई थिंक इन फ्यूचर वी नीड मोर सबसे बड़ी चीज तो ये है एज यू गेव द डेफिनेशन ऑफ सी ए ना इट इज सो फैसिनेटिंग कि मुझे लगता है कि हर घर में एक सी होना जरूरी है कितना इम्पोर्टेंस है ये अभी मुझे आपकी बातें सुन करके yes. yes. पता चल रहा है सर तो मैं तो यही जानना चाहूँगी आपसे कि अगर किसी बच्चे को सपोज इफ अ स्टूडेंट हैज़ जस्ट पास इज क्लास ट्वेल्थ एंड ही इज जस्ट गोइंग फॉर सी यू इट एग्जामिनेशन फॉर ग्रेजुएशन सो इट इट पॉसिबल फॉर दैट पर्सन की वो सी ए कर सकें इन ग्रेजुएशन बिल्कुल या बिल्कुल. फिर आफ्टर ग्रेजुएशन दोनों समय में कर सकते हैं पर मैं सबसे पहले रीजन देता हूँ कि सी क्यों करना चाहिए जी जैसे कि मैंने कहा मेरा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था टेंथ स्टैंडर्ड तक तो लिटरली मार्क खा खा के पढ़ाई की है इलेवेंथ ट्वेल्थ आई चूज कॉमर्स आई स्टार्टेड गेनिंग इंटरेस्ट बिकॉज इट वॉज अबाउट बिजनेस वाई आई चूज सी ए देर आर टू रीजन्स आई एम गिविंग यू और जिसके ऊपर मैं ये पूरा पॉडकास्ट एलेबोरेट करूँगा पहला इट इज़ अ कोर्स फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स नॉट जस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा डिसंबर टू में सी फाइनल में ऑल इंडिया रैंकर जो लड़की आई थी वो एक मराठी मीडियम से पढ़ने वाली मुंबई के स्लम्स में रहने वाली ऑटो रिक्शा ड्राइवर की oh. बेटी थी और आज वो एक बेस्ट कंपनी में टॉप मोस्ट पैकेज पे काम कर रही, काम कर रही है सो दिस कोर्स इज हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स नॉट जस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट सेकंड चीज सी ये कोर्स जो है इट इज अ कोर्स ऑफ डिजर्वेशन नॉट ऑफ रिजर्वेशन ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें कोई भी आरक्षण नहीं है ट्रस्ट जी, मी। जी, जी, जी। कोई कास्ट कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं है तो आप सी ए क्यों करते हैं बहुत सिंपल है मैं एक ऐसे परिवार से था जो डोनेशंस नहीं दे सकता था बीइंग अग्रवाल जनरल कैटेगरी से हूँ मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जहाँ पर किसी में कोई भेदभाव ना हो ये पहला रीज़न है दूसरा मुझे सिर्फ मेरी काबिलियत पे यू नो एग्ज़ामिन किया जाए कोई कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कोई इन्फ्लुएंस मुझे एग्जामिन नहीं करे मेरी काबिलियत मेरे में मेहनत है मेरे पास जो बैठा है उसमें भी मेहनत करने की क्षमता है तुम मेहनत कर लेट्स सी कौन ज्यादा मेहनती है तीसरा मुझे आज़ादी चाहिए कि मैं सिर्फ किसी के यहाँ जॉब ना करूं अगर मैं खुद का कोई काम करना चाहूं सेल्फ एम्प्लॉयबल तो मैं वो कर सकता हूँ आज मैं बहुत प्राउडली कहना चाहता हूँ मैं सी ए मैंने जॉब भी किया है इंडिया में भी किया है इंडिया के बाहर भी किया है और मैं कॉन्टेंट क्रिएटर मैं यूट्यूबर हूँ और मैं एक स्टार्टअप का फाउंडर हूं और अब मैं अड्डा के साथ भी एसोसिएटेड हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये आजादी चाहिए अपॉर्चुनिटीज तो सी ए क्यों करना चाहिए सबसे पहले दूसरा जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझसे इंफ्लुंस होकर आज डिसीजन ले लेना है कि मुझे सी ए करना है इंफॉर्मेशन लीजिए प्रोसेसिंग कीजिए और फिर एक थॉटफुल डिसीजन लीजिए कि क्या मुझे सी ए करना है एम आई मेंट फॉर इट नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन सी ए कैसे करते हैं hmm. तो सबसे पहले गलत फहमी हटाता हूँ एक क्वेश्चन जो हमें बड़ा चुपता है सीए कौन से कॉलेज से होता है hmm. ये क्वेश्चन हमें चुपता है बिकॉज सीए का कोई कॉलेज ही नहीं है सी ए दिस कोर्स इज डायरेक्टली कंडक्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक लॉ बनाया था फर्स्ट जुलाई 1949 को जिसका नाम है द चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 hmm. उस एक्ट के अंतर्गत एक संस्था बनी है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वो संस्था इंडिया में एपेक्स बॉडी है ऑटोनॉमस बॉडी है जो सी बनाती है तो हुँ. किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को कोई अधिकार ही नहीं है सी का कोर्स करवाने का okay. तो इट इज आई सी ए आई विच कंडक्ट द सी ए कोर्स जो अपनी वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाती है एग्जाम्स कंडक्ट करती है और बाकी जो लोग हैं वो सब कोचिंग क्लासेस है और

सेकेंड एग्जाम इज नोन एज सीए इंटरमीडिएट और तीसरा होता है सीए फाइनल तो ब्रॉडली ये तीन एग्जाम्स आपको देनी है पहला जो रूट है सीए फाउंडेशन रूट ये सीए uh, फाउंडेशन की एग्जाम में वो बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है रजिस्ट्रेशन का मतलब एडमिशन जो टेंथ पास है oh, तो cool. आप टेंथ पास होने के बाद में आईसीएआई की वेबसाइट पे जाके सीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जिसकी फीस है मात्र ₹9200 और so, आप इलेवेंथ और ट्वेल्थ के साथ उसकी पढ़ाई कर सकते हैं चाहे आप साइंस से है कॉमर्स से आर्ट्स से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसे कि आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे की प्रिपरेशन भी 12th के साथ करते होंगे सिमिलरली yeah. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इलेवंथ ट्वेल्थ के साथ दे प्रिपेयर फॉर सी फाउंडेशन एग्जाम सो ट्वेल्थ की एग्जाम्स कब होती है फेबर मार्च अप्रैल मार्च उसके तुरंत बाद जून में सी एस की एग्जाम होती है सी ए फाउंडेशन एग्जाम आप अगर ट्वेल्थ के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं hmm. तो आप उसी साल जून की एग्जाम दे दीजिए hmm. अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो उसके बाद सेप्टेम्बर में एग्जाम होगी वो दे hmm. दीजिए फिर भी प्रिपेयर नहीं है तो जनवरी में एग्जाम okay. दे दीजिए nice. so, th okay. अब आप टेंथ के बाद तुरंत चालू कर सकते हैं इलेवेंथ hmm. है, में कर सकते हैं ट्वेल्थ में कर सकते हैं कुछ बच्चे हैं जो ट्वेल्थ की एग्जाम्स देने के बाद भी करते हैं प्रिपरेशन अब दूसरा जो रूट है उसको कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट ये रूट उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या ग्रेजुएशन में है सो okay. so, अगर आपने बस मिस कर दी है फाउंडेशन की कोई हरकत नहीं है okay. आप अगर ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है या ग्रेजुएट हो गए फिर कोई भी एज हो अपर एज कुछ नहीं है इट मे भी एटी ईयर्स नाइनटी ईयर्स हंड्रेड ईयर्स तो आप किसी भी एज में सीधा सी ए इंटरमीडिएट की एग्जाम दे सकते हैं मतलब तीन में से दो एग्जाम्स देनी है एक एग्जाम माइनस हो गई दैट इज नोन एज डायरेक्ट एंट्री रूट काइंड ऑफ ट्री जिसकी ब्रांचेज मल्टीपल हैं एंड आप कहीं से भी उस पर एंटर करना चाहो तो आप एंटर कर सकते हो दिस इज़ सो नाइस सर जब आप बता रहे थे कि सी ए में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चे को सी ए क्यों करना चाहिए तो दे वॉज अ क्वेश्चन जो कि मेरे दिमाग में आया था और मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ उस चीज़ को जानने के लिए मैंने सुना है आई डोंट नो कि अभी ये होता है या नहीं होता है Uh, कि अगर आप सी ए कर चुके हो या फिर आप सी ए इंटरमीडिएट कर भी रहे हो सो यू हैव अपॉर्चुनिटीज कि आप अपने घर बैठ करके भी यू कैन अर्न यू आर एब्सोलूटली राइट पार्शियली उसको मैं कहता हूँ यू अर्न वाई यू लर्न सो इन सी हैव अ टू ईयर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओके आफ्टर यू कम्पलीट सी इंटरमीडिएट आपको दो साल किसी प्रैक्टिसिंग सी ए के ऑफिस में जाके काम करना okay, पड़ता है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस कोर्स को बहुत बेहतरीन बनाता है

and two years articleship is necessary, where you actually being a student you work as an employee, morning 9 to evening six, sure, sure. you go you interact with businessmen, accountants, income tax officer, gst officer, I mean this is so adventurous that एक आठारा साल का बच्चा, उन्नीस साल का बच्चा जो 12 से pass होकर ca foundation pass होकर inter में गया है और intermediate के बाद वो आज एक कंपनी के मालिक से बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए आज अगर आप आप चाहें तो क्या किसी दुकानदार के पास जाकर उससे बैलेंस शीट मांग सकते सकते हैं हैं उसकी mm -hmm. उसको पूछ सकते भाई तू धंधा कैसे कर रहा है से <laughs> नहीं? वो बाहर निकाल देगा obviously, obviously. जब थी मेरी पहले महीने की स्टाइपन थी पांच सौ चालीस रूपए मेरे समय साढ़े तीन साल की आर्टिकलशिप थी

तो हम कहते हैं ना कि हम उम्र से बड़े नहीं होते हम एक्सपीरियंस से, experience बड़े, से, होते से बड़े होते हैं एंड दैट इज़ वॉट एक uh, जो पर्सन डॉक्टर बनने के लिए जा रहा है वो वहाँ पे लर्न करता है एंड सेम आई थिंक एज यू आर टेलिंग कि वो सी के लिए भी होता है सो दिस इज़ ट्रू सर मेरे को एक और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जाग रही है मैं जानना चाहती हूँ वदर इट इज़ रिलेटेड टू दिस और नॉट बहुत बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं और ओबियसली वो बहुत सारा अर्न करते हैं अब अगर हम अपनी सैलरी बताएं तो शायद हमारी तो नेग्लेजिबल होगी उनके आगे और हम भी चाहते हैं कि हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करें तो उनके पास तो बहुत सारा पैसा होता है दे इन्वेस्ट राइट तो uh, मतलब लाइक like, जब वो इन्वेस्ट करते हैं सो फॉर दिस ऑल्सो दे नीड अ सी ए जो उन्हें सजेस्ट कर सके uh, और मार्केट को एनालाइज़ कर सके और ये बता सके कि उन्हें स्पेंड करना है या कहाँ इन्वेस्ट करना है या कहाँ से पैसा निकालना है या कहाँ रखना है और माय क्वेश्चन ऑनिस्टली स्पीकिंग आजकल देर आर स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स फॉर दिस जैसे कि सी एफ लोग करते हैं चार्ट mm -hmm. फाइनेंशियल है ना वो लोग इसके लिए हैं बट चार्ट अकाउंटेंट्स डेफिनेटली डू दिस थिंग मतलब आज I'm मुझे too. याद है मैं भी कभी सफर करता हूँ कहीं पे फ्लाइट से जा रहा हूँ ट्रेन से जा रहा हूँ और किसी को मैंने कहा मैं सी ए हूँ तो दो कॉमनली भी आज क्वेश्चन है टैक्स कैसे बचाएं और पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेम सेम क्वेश्चन चार्ट अकाउंटेंट्स आर वेरी गुड एडवाइजर बट एज आई एट इट डिपेंड्स बिकॉज पोर्टफोलियो बहुत वाइड है तो आप सी ए बन के क्या कर रहे हो उस पर डिपेंडेंट है सो so, अगर किसी पर्सन का फोर्टे फाइनेंस नहीं है तो वो आपको नहीं गाइड कर पाएगा बट जैसे कि मुझे पता है कि चार्ट अकाउंटेंट्स वो होते हैं जो टैक्स बचाते हैं और They also know how to make money, money yeah. because we believe in the fact that money kept idle is money wasted. So if my money is lying idle, it's absolutely waste of money. True.

वो अपने आप में स्ट्रोंग होना चाहता है वो अपने आसपास के लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हो या फिर वो इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग हो दैट यू कोटेड देयर राइट तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर एक बच्चा करना चाह रहा है सी तो वो सी के बाद सी करना चाह रहा है या सी के पहले सी करना चाह रहा है तो वो कैसे स्टार्ट करे कैसे इसमें एंटर कर सकता है वो और कैसे वो इसका एग्जाम होता है या फिर नॉर्मल स्कूलिंग होती है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ जो फर्स्ट एग्जाम होती है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज आई थिंक दैट

सो so, अगर कोई बच्चा कॉमर्स से है तो मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ इसलिए बता रहा हूं अगर कोई बच्चा कॉमर्स है एंड इफ यू जस्ट स्टडी इलेवंथ एंड ट्वेल्थ अकाउंट्स प्रॉपरली यू कंप्लीट सेवेंटी परसेंट सिलेबस ऑफ सी ए फाउंडेशन अकाउंटिंग यू हैव सेम टॉपिक्स मतलब जो भी व्यूअर्स या कॉमर्स के व्यूअर्स देख रहे हैं बैंक रिकनसिलेशन रेक्टिफिकेशन डेप्रिसिएफ एक्शन सिमिलर टॉपिक्स

सो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट आई आई बिलीव मतलब इफ़ आई एम आ स्टूडेंट एंड आई थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन ना कि मैंने ये पढ़ा था जैसे सर uh, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी कि uh, मेरा uh, एक नेफ्यू है और uh, वह नया नया पी जी में गया था प्ले ग्रुप में और उसको टीचर ने सिखाया ए फॉर एप्पल होता है एंड आई वॉज जस्ट टीचिंग है एट माई होम तो मैं उसको बोल रही थी ए फॉर एरोप्लेन ए फॉर आंट राइट सो यी वॉज लाइक नो ए फॉर एप्पल इट शुड नॉट बी एरोन इट शुड नॉट बी एंड राइट सो आई थिंक जो स्टूडेंट भी होते हैं ट्वेल्थ तक के कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स मेच्योर हो जाते हैं बट समर लाइक दैट अगर उन्होंने एक प्रॉपर एप्लीकेशन किसी चीज की पढ़ी है तो दे आर सेम एट दैट नहीं ए फॉर एप्पल ही होता है आई कैन नॉट गो फॉर एरोन एंड एंड सो आई थिंकलिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कंसेपचुअल अंडरस्टैंडिंग यू टेल मी हम लोग जब जिंदगी में जाते हैं दुनिया में जीते हैं तो हर रास्ता वो नहीं होता जो ड्राइविंग स्कूल में सिखाया जाता चो, है चो, अलग है सेकेंड सब्जेक्ट जो आता है सी ए फाउंडेशन में तो पहला पेपर अकाउंटिंग है हंड्रेड मार्क का सब्जेक्टिव पेपर है तीन घंटे का प्लस पंद्रह मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है आपको फोर्टी मार्क्स चाहिए पास होने के लिए आउट ऑफ हंड्रेड सेकेंड पेपर है लॉ जहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना है कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है ये ऐसे लॉज है जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटिंग है hmm. तो ये एक सब्जेक्टिव पेपर है हंड्रेड मार्क्स थ्री आवर्स प्लस फिफ्टीन मिनट्स रीडिंग टाइम फोर्टी मार्क्स पासिंग थर्ड पेपर का नाम है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड इट इज नथिंग बट सिंपल मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग

तो उसको हर सब्जेक्ट में फोर्टी लाना है बट इंश्योर करना है टोटल टू हंड्रेड होना चाहिए सो इफ यू आर गेटिंग इन वन सब्जेक्ट सब्जेक्ट यू यू मस्ट गेट अदर दैट इज डू स्वॉट राइट सो ये एग्जाम जो है ये सेवन डेज में कंडक्ट होती है अल्टरनेटिव डे पेपर्स होते हैं इसके पूरी इंडिया में अलग अलग शहरों में एग्जाम होती है hmm. और इसकी प्रिपरेशन करने में जो हम लोग क्लासेस करवाते हैं चारों सब्जेक्ट की क्लासेस करने में तकरीबन तकरीबन चार से पांच महीने का समय लगता है

और खर्चे की मैं अगर बात करूँ तो सी ए इंस्टीट्यूट की जो रजिस्ट्रेशन फीस है इस कोर्स की सी ए फाउंडेशन की दैट इज और एग्जामिनेशन फीस है पंद्रह सौ तो दस हजार सात सौ रुपये सिर्फ खर्चा हुआ है hmm. और अगर आप सपोज एक एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो अगले एग्जाम में वापस सिर्फ पंद्रह सौ रुपये आपको भरना है hmm. बाकी तो जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो जो क्लासेज आप ज्वाइन करते हैं उसकी जो भी फीस लगती है दैट्स अ डिफरेंट थिंग Told a lot of things about this. As uh, a one uh, more, I want to uh, look behind the point. So, the point is as you said, for uh, those students who are like who opted for uh, commerce. फॉर देम इट इज ईजी बिकॉज दे हैव इन क्लास ट्वेल्थ वही उनके एग्जाम uh, में आना है बट हाउ डिफरेंट इट्स बी फॉर दो स्टूडेंट जो कि साइंस स्ट्रीम के हैं uh, याटीज के हैं या कितना ज्यादा मेहनत उन्हें करना पड़ सकता है ठीक है थोड़ा मैथामेटिकल है आप समझिएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो अपियर फॉर सी ए फाउंडेशन एग्जाम आई टोल्ड यू एवरेज रिजल्ट ट्वेंटी अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ बिटवीन कॉमर्स स्टूडेंट एंड नॉन कॉमर्स जिसमें ह्यूमैनिटी साइंस सब आ गया नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द पासिंग परसेंटेज ओनली ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है कि नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स का पासिंग परसेंटेज कॉमर्स स्टूडेंट के पासिंग परसेंटेज से कम होगा ज़्यादा होगा सिग्निफिकेंटली कम होगा वट डू यू थिंक सर जो मेरा पास एक्सपीरियंस रहा है hmm. मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है व्हेन बी जस्ट कम आउट ऑफ क्लास टेंथ तो अलेवेंथ में जैसे ही हम आते हैं हमारे पापा पीर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि नहीं साइंस स्ट्रीम लेनी है फिर गोइंग फॉर कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज यू आर ह्यूनिटीज स्टूडेंट यू आर कॉमर्स स्टूडेंट सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक मतलब स्टीरियो टाइप कि यही लेना है तो वह बच्चा ना मतलब प्रेशराइज़ होकर के वो जाता है साइंस हाँ. स्ट्रीम की तरफ और फिर वो अपने इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाता है जबकि लिटरली दे आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड दे कैन ऑप्ट फॉर दिस तो अब कॉमर्स के स्टूडेंट की मैं बात करूँ मैंने जितने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछा है तो सबसे पहली चीज इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज जैसे ही आप इसमें इंटर करते हो यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स बिजनेस बहुत कुछ बिजनेस एंड यू नो हाउ टू ग्रो योरसेल्फ आप अपना ग्रोथ जान जाते हो कि आपको कैसे करना है और फिर क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट आने लगता है तो दे स्कोर बेटर देन द स्टूडेंट्स हुआ इन साइंस स्ट्रीम तो इट्स लाइक दैट ह्यूमैनिटीज़ आई फील इट इज़ मोर अबाउट लर्निंग और मग अप राइट सो आई बिलीव बींग अमर्स स्टूडेंट एक तो आपको लर्न करने के लिए भी बहुत कुछ मिल रहा होता है और हाँ अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो सो यू आर गोइंग टू स्कोर गुड तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ ना हाँ आपको जान के हैरानी होगी कि साइंस के स्टूडेंट्स का जो पासिंग परसेंटेज है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉमर्स स्टूडेंट पासिंग परसेंटेज और एट टाइम्स इट 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 इवन एक्सड्स अब ये क्यों है क्योंकि आपने कहा कि कॉमर्स के बच्चे के लिए जर्नी बहुत स्मूथ है क्योंकि उनके ही सब्जेक्ट है hmm. आंसर है नो कॉमर्स वाले के लिए सिर्फ अकाउंट्स और इकोनॉमिक से मिलते हैं okay. लॉ तो नया है कॉमर्स में लॉ नहीं पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स uh, तो हुए? काफी लोगों का फियर होता है <laughs> yeah, साइंस वाला स्टूडेंट जो होता है उसको सिर्फ मैथमेटिक्स आता है hmm. लेकिन साइंस वाला स्टूडेंट जो है ना वो एक डर के साथ आता है वो सोचता है कि यार मुझे अकाउंट्स नहीं आता है मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आता है मुझे लॉ नहीं आता है मुझे डे वन से मेहनत करनी है कॉमर्स वाला बच्चा जब सी ए में आता है ना वो कॉन्फिडेंस से आता, oh, आता है मुझे अकाउंट्स आता है मुझे इकोनॉमिक्स भी आता है सो hmm. so, जैसे मैंने 11 ट्वेल्थ में एग्जाम से कुछ महीने पहले पढ़ाई करके यू नो आई क्रैक माई एग्जाम आई विल क्रैक सिमिलरली सी एग्जाम एंडली हैव टू फेस दैट इज द रीजन वाई साइंस स्टूडेंट पासिंग बिकॉज ऑफ दीरियसनेस वाई कोट माई कोर्ट दैट दिस कोर्स इज में

इन फील्ड सो इट्स ट्रू की अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज में है तो इट कैन गो रियली लॉन्ग बहुत आगे जा सकते हो आप और बहुत अच्छा कर भी सकते हो सर uh, मैं यहाँ पर यह भी पूछना चाहूंगी सपोज इफ स्टूडेंट इज गोइंग फॉर सी ए सपोज ही और शी हेज कम्पलीटेड फाउंडेशन तो एक तो फाउंडेशन वाला प्रोसेस हो गया और एक uh, आगे आप इंटरमीडिएट के लिए जाते हो सो वर्क अबाउट आफ्टर दिसक मतलब अगर आप इसके बाद जा रहे हो, तो so, हो जाता है हाँ. फिर आप

एक बच्चा जब इलेवेंथ पास हो जाता है और ट्वेल्थ hmm. में आता है तो फिर वो कभी भी कर सकते हैं like जुलाई में भी जो बच्चे अभी ट्वेल्थ की एग्जाम्स की तैयारी hmm. कर रहे हैं जो फेब्रवरी मार्च ट्वेंटी फाइव में ट्वेल्थ देंगे दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर देम टू बिगिन विद सी करियर एंड अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट ऑप्शन इज टू ऑप्ट फॉर सेप्टेंबर ट्वेंटी एग्जाम

सेप्टेंबर ट्वेंटी सिक्स में इंटर क्लियर करेगा उसकी फाइनल की एग्जाम कब आएगी मैं आपको बताता हूँ सेप्टेंबर ट्वेंटी सेवन सेप्टेंबर ट्वेंटी एट और उसके बाद आएगा मे टू थाउजेंड ट्वेंटी नाइन और उसका रिजल्ट आएगा जुलाई ट्वेंटी नाइन में वेन ही बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट So, from July 24, it will take matter. five years five for years. someone to qualify a chartered accountant. Exactly. Uh, five years. So, uh, yeah, mitlab, uh, I feel like uh, if you are giving five years for something, so that means uh, you are going great in that. One thing more that I would like to ask you is that suppose if I am a student and I am giving my five years to something, so I am expecting that I would get something.

और आज नेटवर्थ uh, क्या है यू कैन सिंपली गूगल एंड आंसर सो मुझे uh, जब मेरा जॉब लगा था माई फर्स्ट जॉब 2011 थाउजेंड इलेवन आई स्टार्टड विद सिक्स पॉइंट टू नाइन लैख रुपीज़ पे पैकेज एनुअल पे पैकेज देन आई गोट अ जॉब ऑफ वन करोड़ रुपीज़ पर एन एम इन टू थाउजेंड ट्वेल्व और आज जहाँ पर भी मैं बैठा हूँ आई थिंक आई कम्प्लीटली गिव क्रेडिट टू माई सी ए डिग्री सी ए डिग्री से पैसा कैसे आता है या किसी भी डिग्री से डिग्री से पैसा नहीं आता है डिग्री से दरवाजे खुलते हैं पैसा कर, कमाने के लिए कर्म करना पड़ता है काम करना पड़ता है अगर मैं सीए की डिग्री लेके घर पे बैठ जाऊं सो जाऊं आराम से कि भाई बहुत पैसा आएगा क्योंकि मेरे पास सीए की डिग्री है पैसा आएगा ही नहीं आई मस्ट नो हाउ टू यूज माई नॉलेज हाउ टू कैपिटलाइज माई नॉलेजली लेट मी टेल यू इस कोर्स में आप इतना कमा सकते हो ना कि आपका कोर्स का पूरा खर्चा निकल जाएगा सो आई से यू अर्न वाइल यू लर्न लेकिन उसके बाद में यू कैन सो मच मनी दैट यू कैन एक्चुअली चेंज योर लाइफ सो नाइस बट आपने बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में बहुत बड़ी बात बोल दी कि uh, बिना रोए तो uh, मम्मी भी खाने को कुछ खाने नहीं देती दस इज रियलिटी है ये कि एक तो सर हम इंडिया में रह रहे हैं वी आर प्राउड टू बी इंडियंस बट कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें ये भी फील करनी पड़ेगी दैट इंडिया हैज़ दैट मच पॉपुलेशन कि किसी भी कंट्री की इतनी पॉपुलेशन नहीं है और यहाँ पर स्ट्रगल uh, आपको हर मोड़ पे मिलेगा और आपको उसके लिए स्ट्राइक तो करना पड़ेगा एक चीज़ मैं यहाँ पर और आ, पूछना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है ना आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में वो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हम अगर किसी भी प्रोसेस के लिए जा रहे हैं या किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो जैसे जैसे एग्जाम होता रहता है इवन अगर सी ओ टी की बात करें ट्वेंटी ट्वेंटी टू में दे वॉज समथिंग डिफरेंट देन वी गो फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वी सी समथिंग डिफरेंट और अभी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में भी हमें कुछ नए चेंजेस देखने के लिए मिले सो इज़ इट सेम फॉर सी ए की मतलब कुछ पैटर्न चेंज होता रहता है बिकॉज हम आउटडेटेड पढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि मुझे क्लाइंट को सर्व करना है तो हर साल जब बजट आता है तो हमारा सिलेबस चेंज होता है इट्स वेरी डायनेमिक आई मीन मुझे लगता है यूपीएससी के बाद सीए एक ऐसा कोर्स है जहां पर इतना डायनेमिज्म है Hmm. the syllabus is not at all redundant it's very updated it do changes wow. so I think हमारे student को ये चीज़ जाननी पड़ेगी hmm. कि आप भले ही किसी भी competitive world में enter आप कर रहे हैं आपके दिमाग में ये होना चाहिए that you have to be updated क्योंकि किसी भी पल कुछ भी हो सकता है और कुछ भी आप नया अपने पास देख सकते हो अपने सामने देख सकते हो और क्योंकि कंपटीशन में एंटर कर रहे हो तो कंपटीशन इज गोना टफ एवरी ईयर टफ ट्रू सर एक और चीज़ जो मेरे को बहुत देर से दिमाग में आ रही थी मेरा डिस्कशन चल रहा था किसी से सो देर वॉज वन सर एंड ही वॉज़ वेरी सिंपल एट दैट मतलब उन्होंने कहा सी ए जैसे यू सेड ना सी ए कोई भी कर सकता है लाइक like, साइंस uh, वाला स्टूडेंट भी कर सकता है और कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी कर सकता है ह्यूमैनिटीज़ वाला स्टूडेंट भी कर सकता है बट वन थिंग इज़ दैट मुझे पता है कि सीए कोई भी कर सकता है लेकिन सीए हर किसी के बस की बात नहीं है ये भी लोग बोलते हैं ये डिपेंड करता है हाँ। मतलब मैं तो ये, ये कहता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ से मेरे हिसाब से ना सी ए का कोर्स नहीं है सीए एक इमोशन है ये एक फीलिंग है और कहते हैं जब तक बम में पेन नहीं होगा लाइफ में गेन नहीं होगा बहुत सिंपल है मेरे जैसा लड़का जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था उसने फर्स्ट अटेम्प में क्रैक किया बिकॉज जब ना पढ़ने का मन होता था ना तो परिवार की ज़रूरतें आंखों के सामने आती थी सो इफ़ यू फील दैट पेन यू फील दैट यू हैव नो अदर ऑप्शन यू विल स्टडी मेरे लिए किताबें सब्जेक्ट कंसेप्ट्स ये सब जो थे ना ये पढ़ाई नहीं थी ये मजबूरी थी और इसी के ऊपर ना मैंने एक रैप लिखा है देर इज अ म्यूज़िक वीडियो मैंने एक म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस किया है oh. मैंने गाया compose. है बनाया कंपोज किया इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब उसका एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ आओ सुनाता हूँ तुम्हें तो एक कहानी एक था परिंदा जिसकी बदली जिंदगानी बी टेक एम की फीस नहीं थी तो फिर देखा उसने सपना से ये बनने की ठानी दोस्त लड़की या घुमाते और मैं करता था पढ़ाई फाउंडेशन की बुक्स ने मेरी वाट लगाई रिश्तेदारों ने भी मुझे काफ़ी बातें सुनाई तुझसे नहीं होगा तू रहने दे भाई दिन में आर्टिकलशिप रात में पढ़ाई ना जाने कितने रात पार ले जीपे बिताई oh. पेट की भूख नहीं ज्ञान की बढ़ाई बुरे वक्त ने मुझे सबकी असलियत दिखाई oh जब चाहिए थे पैसे तब ये बात समझ आई कोई काम नहीं आता सब नाम के है भाई सो oh. so, अगर आप ये लिरिक्स देखेंगे I I it's, it's so nice. <laughs> मतलब it's like, आपकी ये आप बीती है और ये मेरी अकेले की नहीं है आप किसी भी सीए स्टूडेंट से जाके मिलिए यही स्टोरी है अरे मेरे बाप दादा के पास अगर करोड़ों रुपए होते थे तो मैं किसी इंडस्ट्री में बैठता था ना हाँ, मैं थोड़ी ना आठ दस घंटे बारह घंटे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करता था चो, 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 चो। तो सीए मुझे ऐसा लगता फर? है कि अगर आपको फील होता है ना अपनी फैमिली का पेन कि यार मैं देख रहा हूँ मेरे मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं मैं चाहता हूँ कि अब वो आराम करे अब बताओ पैसा कमाने के लिए क्या करना है पर मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं है मैं कॉलेज में पैसा नहीं दे सकता तो मैं सीए करूंगा आई थिंक वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वो एक चीज पूछी गई थी ना कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है सो दैट इज दी तो वो आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड रीजन जरूर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्यों करना चाहते हो जिस दिन आपको ये पता होगा कि आप क्या करना चाहते हो और आप क्यों करना चाहते हो यू हैव मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आपके लिए डोर्स खुलते जा रहे हैं और आप कैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हो इट्स ट्रू इट्स literally true and literally it is a very nice interaction मुझे तो लग रहा है कि ये खत्म ही ना हो चुकी आई हैव लॉट टू लर्न फ्राम यू आई थिंक बट फिर भी मैं वापस यहाँ पर पूछना चाहूँगी सर क्योंकि बच्चों बच्चे हमारे ऐसे होते हैं क्योंकि हम छोटे हैं हम जितना भी कह रहे मैंने बहुत पढ़ाई कर रखी है मैं क्लास का टॉपर हूँ हमेशा ये नहीं देखा गया है कि जो क्लास का टॉपर रहा हो उसने में भी टॉपर रहा लाइफ का भी टॉपर रहा हो और यही वजह है सर कितने आई आई टी एन कितने नीट एस्परेंट्स जब वो हार जाते हैं ना तो दे एट द एंड ऑफ द टाइम दे गो फॉर सुसाइड क्योंकि उन्हें कोई जज मतलब कोई जजमेंट देने वाला ही नहीं होता कोई उन्हें सजेस्ट करने वाला ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है मतलब आप सोच रहे हो ना बच्चा करना चाहता था लाइक ही इज़ इंटरेस्टेड इन फैशन डिजाइनिंग लेकिन वो कर रहा है नीट का एग्जाम क्लियर तो ये होता है कि आपको अगर दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि ये मेरा इंटरेस्ट है एंड आई हैव टू गो फॉर दिस तो फिर आप उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो तो एक लास्ट मैं ये चाहूँगी बिकॉज यू हैव डन लॉट ऑफ स्ट्रगल इन योर लाइफ एंड इज लॉट टू लर्न फ्रॉम यू तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि हाउ गुड कैन दिस फील्ड फॉर देम कितनी अच्छी ये फील इनके लिए हो सकती है और क्यों उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए यार मैं तो सिंपल सी एक चीज़ कहूँगा मैं सी ए के बारे में पिच नहीं करने आया हूँ hmm. मैं ये कहूँगा जितने भी यंग स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ इफ आस्क यू क्वेश्चन है कि आप अपनी जिंदगी में पांच साल बाद खुद को कहाँ देखते हो hmm. मेरे पास उसका जवाब होना चाहिए hmm. कहते हैं ना मौत तो बहुत आसान है hmm. कम वक्त मज़ा तो जिंदगी जीने में है hmm. तो जो आपने कहा बच्चे सुसाइड कर लेते हैं ये वो बहुत आसान है इट्स वेरी इजी द रियल स्ट्रगल इज टू लिव

वो सारी चीज़ें दी है वो नॉलेज दिया है वो स्किल्स दिए हैं hmm. जिससे मैं अपनी काबिलियत दुनिया के सामने Showcase ला सकता हूँ sure. मेरे पास वो कागज़ का टुकड़ा आई डोंट कैरी एनी वेयर के मैं सी ए हूँ बट वो जो स्किल्स मैंने कमाई है ना वो मेरे साथ है आई एन्जॉयड एवरी डे एवरी सब्जेक्ट एवरी क्वेश्चन एवरी कंसेप्ट ऑफ दिस कोर्स एंड दैट्स वाई आई सेट दैट इवन दो पीपल में से इट्स डिफिकल्ट कोर्स इन इंडिया आई से नथिंग इज डिफिकल्ट If you love it, if you love it, yeah, यू and sir सबसे बड़ी चीज़ तो ये है मतलब मुझे जो चीज़ feel हो रही है वो ये है कि शायद I might be wrong in words but मेरे emotions बिल्कुल सही हैं कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे मैंने पी प्रेशर के ऊपर बहुत इंफोसिस डाला हम लोग पीय प्रेशर हो पेरेंट प्रेशर हो या फिर हमारी फैमिली प्रेशर हो उसकी वजह से हम लोग बहुत कुछ मतलब एक होता नहीं है

बच्चों को पेरेंट्स के साथ बैठ के वो देखना चाहिए देखना चाहिए और सर मुझे तो लगता है दैट दिस इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि ये पुनर्जन्म और ये होता होगा शायद बट अभी जो मेरी नजरों के सामने मुझे दिख रहा है वो ये एक केव है और मुझे इसको एक्सप्लोर करना yes, है यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड जस्ट गो अहेड फॉट वॉट्स यू हैव इन योर लाइफ जस्ट हैव वन गोल एंड डू ग्रेट इन योर लाइफ एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक सर कि वो यहाँ पर आए उन्होंने एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला कि वो अपने आप को बता पाए कि उन्होंने क्या स्ट्रगल किया है लाइफ में और वो आपको सी ए की इंपॉर्टेंस बता पाए जो हर कोई आपको नहीं बता पाता है और शायद कहीं ना कहीं इसी पॉइंट को लेकर के आप कंफ्यूज हो जाते हो uh, मैं जाते जाते सर को थैंक यू तो बोलना चाहूंगी और साथ में ये भी बताना चाहूंगी कि वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़े रहे ताकि सी ए करना चाहते हैं है और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको गाइड करें Definitely. और मैं सर से भी जानना चाहूंगी कि सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे पॉडकास्ट का और मुझे बहुत अच्छा लगा ऑलवेज यू नो क्रेजी टू इंटरेक्ट विद पीपल ऑफ़ डिफरेंट जॉनियर डिफरेंट सब्जेक्ट्स बिकॉज फिर आपको पता चलता है बाकी लोग कैसे सोचते हैं hmm. और जैसे मैंने कहा कि थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स अगर hmm. आप लोग चाहते हैं कि हम लोग वापस आए किसी दूसरे टॉपिक पे बात करने sure. तो आप डेफिनेटली इस वीडियो hmm. के कमेंट में कमेंट करके बताइएगा दैट यस वी वॉन्ट अनादर पॉडकास्ट फ्रॉम अंशुल सर एंड मैम सो वी विल डेफिनेटली कम फॉर यू और बस जाने से पहले इतना ही कहूँगा पढ़ते रहो सीखते रहो आगे बढ़ते रहो क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद और सीखना बंद तो आगे पढ़ना बंद थैंक यू सो मच